नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्ट स्टार्टर क्यों यूज होता है। तो मोटर को चलाने के लिए आप बहुत सारे जगह में देखे होंगे ड्यूएल, स्टार डेल्टा, बीएफडी, ये सब चीज़ लगता है और उसमें भी सॉफ्ट स्टार्टर भी लगता है। तो ये सॉफ्ट स्टार्टर मोटर चलाने के लिए क्यों यूज होता है, क्या है उसका फीचर्स है, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप तो मोटर चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्यूएल स्टार्टर हो गया, हमारा आर ड्यूएल स्टार्टर हो गया, कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, बीएफडी भी है। तो उसका सब ग्राफ अगर देखेंगे, करंट ग्राफ अगर देखेंगे, तो मोटर चलने के टाइम पे ड्यूएल अगर देखते हैं तो ये स्टार्टिंग में 6 से 7 गुना करंट लेता है मोटर का फुल लोड करंट से, उसके बाद जाके फिर नॉर्मल करंट पे आता है। तो उसमें क्या होता है कि हाई स्टार्टिंग करंट ये लेता है, सबसे ज़्यादा करंट लेता है हमारा मोटर स्टार्टिंग के टाइम पे ड्यूएल स्टार्टर, जो कि हमारा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अप टू 5 HP, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसके अंदर 5 HP के मोटर का आप ड्यूएल से चला सकते हैं। उससे बड़ा होगा तो आपको अलग से सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो उससे कम थोड़ा करंट लेता है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो कि ड्यूएल के बाद आता है। ये इसका स्टार्टिंग करंट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में स्टार में चलता है, उसके बाद फिर डेल्टा का चलता है। जब वो रनिंग पे आ जाता है 10 सेकंड के आसपास, 7-8 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक, तो उसके नीचे आता है हमारा बीएफडी, जो कि सबसे कम करंट लेता है, स्टार्टिंग करंट सबसे कम होता है हमारा बीएफडी। तो सॉफ्ट स्टार्टर हमारा उसके बीच में बिलोंग करता है, जो कि बीएफडी से थोड़ा बहुत, लेकिन स्टार डेल्टा या फिर ड्यूएल से बहुत कम करंट ये लेता है। तो उसी के वजह से सॉफ्ट स्टार्टर हमारा यूज किया जाता है कि स्टार्टिंग करंट को कम यूज करेंगे। ड्यूएल स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो कि मोटर का स्पीड हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सॉफ्ट स्टार्टर में नहीं कर सकते, सिर्फ बीएफडी में हम लोग स्पीड का कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला तीनों केस में बीएफडी का मोटर का स्पीड हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बिना कंट्रोल वाला सिस्टम को अगर आपको चलाना है तो आप उसको अगर सॉफ्ट स्टार्टर से चलाएंगे तो इसका जो हाई स्टार्टिंग करंट जो लेता है उसको ये कम लेगा। अगर आप मतलब बिना स्पीड कंट्रोल वाला मोटर को चलाते हैं, मतलब ऑन करते ही फुल स्पीड पे चला जाएगा, उसमें अगर उसी तीनों में देखेंगे ड्यूएल स्टार डेल्टा और सॉफ्ट स्टार्टर में, तो सॉफ्ट स्टार्टर सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो कि सॉफ्ट स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट बहुत कम लगा। और बीएफडी में लगा देंगे तो भी ये बहुत कम लगा, लेकिन बीएफडी जो है ये स्पीड कंट्रोल के लिए लगाया जाता है। अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा करना है या फिर थोड़ा सा कम करके चलाने से आपका काम हो जाता है, तो उसी हिसाब से आप उसको स्पीड बीएफडी भी लगा सकते हैं उसी जगह में। लेकिन अगर स्पीड कंट्रोल कभी भी नहीं करना है, खाली स्टार्टिंग करंट कम करना है, तो उसी जगह में आप लोग सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से 5 HP से नीचे में आप ड्यूएल यूज कर सकते हैं, उससे अगर ज़्यादा होता है तो आप उसको स्टार डेल्टा लगा सकते हैं या फिर सॉफ्ट स्टार्टर लगा सकते हैं या फिर बीएफडी लगा सकते हैं। तो सबसे कम करंट लेता है स्टार्टिंग में हमारा बीएफडी, उसमें पावर सेविंग भी होता है। अगर स्पीड थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दिए या फिर उसको स्पीड रेगुलेटिंग कर दिए कि मतलब ज़रूरत के हिसाब से स्पीड बढ़ेगा कमेगा, तो उसमें पावर सेविंग बहुत बढ़िया हो जाएगा बीएफडी का। तो बीएफडी का बात अगर छोड़ दिया जाए, फुल स्पीड पे चलाने के लिए सोचा जाए, तो उसमें सॉफ्ट स्टार्टर सबसे पहले आता है, जो कि स्टार्टिंग करंट बहुत कम लेता है। मतलब ये क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करके छोड़ता है, तो वोल्टेज से हमारा जो करंट लेता है वो भी ड्रॉप हो जाता है। तो पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए हमारा APFC पैनल लगता है, जो कि ड्यूएल और स्टार डेल्टा में जो स्टार्टिंग करंट हाई स्पाइक क्रिएट होता है उसको कम करने के लिए। वो अगर सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो सभी जगह पे मिलके ज़्यादा हो जाएगा, तो कंपनी के ऊपर जो भी आप सप्लाई लिए होंगे डिस्ट्रीब्यूशन से, तो आपके ऊपर फाइन पड़ जाएगा, क्योंकि बार बार हाई स्पाइक आने से उनका ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए वो लोग फाइन डाल देते हैं। तो इसके लिए आपका पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए APFC पैनल लगता है, जहाँ पे कैपेसिटर बैंक वगैरह लगाया जाता है, जो कि वो स्पाइक को थोड़ा ऑब्जर्व करके रखे, उसको कम करके बाहर छोड़े, तो उसी हिसाब से आपका APFC पैनल लगाया जाता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन उसको बोलते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट है हाई स्टार्टिंग करंट को कम करना, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे जो हाई करंट लेता है उसको कम करने के लिए हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का यूज कर रहे हैं। तो उससे अच्छा वाला है बीएफडी, लेकिन बीएफडी का पैसा ज़्यादा है, बीएफडी का जो लगाने का कारण भी अलग अलग है, आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, उसका वीडियो में हम अपलोड किए हैं क्यों बीएफडी यूज करा जाता है, तो उसको भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट स्टॉप होता है, सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे, स्टार्ट स्टॉप हम लोग यहाँ पे रैंप से कर सकते हैं, जो सॉफ्ट स्टार्टर में करेंगे, मतलब स्टार्ट होगा रैंप में, स्टॉप होगा रैंप में, लेकिन हमारा ड्यूएल स्टार्टर आइडियल स्टार्टर में क्या होता है या फिर स्टार्ट में क्या होता है, तुरंत झटके में स्टार्ट होता है और झटके में बंद होता है।
तो ये चीज को थोड़ा सा स्मूथ इसमें कर सकते हैं, हमारा स्टार्ट और स्टॉप को रैम टाइम देके हम लोग कर सकते हैं, वोल्टेज रैम बोलते हैं इसको, या फिर टॉर्क रैम भी रहता है किसी किसी में। तो उसमें क्या होता है, इसमें जैसे यहाँ पे स्पीड डाउन हो जाता है, पूरा डायरेक्ट को स्टॉप हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा इसमें रैम पे का ऑप्शन रहता है, जितना सेकंड हम टाइम सेट करेंगे उतने में वो फुल स्पीड से जीरो स्पीड पे आएगा उतना टाइम पे। मतलब अभी मान लो 1500 पे चल रहा है, वो जीरो पे आने के लिए ये रैम टाइम जो डाले होंगे उतना टाइम में लगेगा। तो करंट क्या होगा कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में पूरा स्मूथली बंद होगा, स्मूथली ऑन ऑफ होगा, ऐसे सब चलेगा। लेकिन ड्यूअल में क्या होता है कि तुरंत एक झटके में ले लेता है पूरा हाई करंट, उसके बाद चलता है, जहाँ से बंद करो वहाँ से करंट डायरेक्ट जीरो हो जाता है। तो उसी केस में क्या होता है कि जो स्पाइक वगैरह जनरेट होता है वो हमारा स्टार्ट स्टॉप रैम्प और कोस्ट के ऑप्शन से करने से जो स्टार्टिंग करंट वगैरह सब रैम्प में चलता है, तो मोटर का झटका भी नहीं लगता है मैकेनिकली तरफ से, मैकेनिकल पंप हो गया या फिर किसी भी जिसी को घुमा रहा है शाफ्ट वगैरह, तो उसको किसी को झटका नहीं लगता है, जैसे ड्यूल और स्टार्टर में लगता है झटका। तो ये इस चीज़ को बड़े अच्छे से चला जाता है इसको लेके, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग को टाइम पे पूरा रैम्प करके उसको कर्व करके चला जाता है। VFD में भी सेम चीज़ हो सकता है, लेकिन पैसा के मामले में सब स्टार्टर हमारा थोड़ा VFD से सस्ता है। तो इसमें ड्यूअल और RDL में ऐसे रिले आउटपुट वगैरह, डिजिटल इनपुट या फिर एनालॉग आउटपुट वगैरह, ये सब डाटा देखने के लिए उसका कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आपको अलग से सब रिले लगा के करना पड़ता है। लेकिन सब स्टार्टर में ये सब चीज़ दिया हुआ है, इसमें रिले आउटपुट के लिए 3-4 रिले देता है, जिसमें से आप उसका इंडिकेशन वगैरह यूज कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, रिसेट करने के लिए एक एक डिजिटल इनपुट का पॉइंट दे देता है, तो वहाँ पे आप लोग खाली वायरिंग करके स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, स्पीड डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर उसको स्पीड रिसेट का भी यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग आउटपुट से आप लोग वोल्टेज, करंट, पावर, टॉर्क, टेम्परेचर सारे चीज़ डाटा भी देख सकते हैं इसमें से लेके। ये सब चीज़ DL में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग डिवाइस सब लगाना पड़ेगा, लाइन पे किसी में, सीरीज में किसी में, पैरेलल में, सब कुछ अलग अलग डिवाइस लगाना पड़ेगा। लेकिन ये सारे चीज़ आपको एक ही पैक में मिल जाएगा, जो कि है सब स्टार्टर। तो सब स्टार्टर के अंदर ये सारे फीचर्स है, जिसमें NONC कॉमन का कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप उसमें से रिले आउटपुट यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियल फ्री वाला। तो उसके बाद डिजिटल इनपुट दिया हुआ है, उसमें से स्टार्ट स्टॉप रिसेट ये सब चीज़ आप इसमें से कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिले आउटपुट से आप लोग रन फीडबैक, जितना भी फीडबैक हो गया, रन का फीडबैक हो गया, जो रैंप होता है उसका, रैंप का मतलब स्टार्ट स्टॉप का रैंप में उसका फीडबैक ले सकते हैं, फॉल्ट का फीडबैक ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप इसमें से कर सकते हैं। तो जो कि आपको बहुत ज़रूरत पड़ता है इंडिकेशन के लिए या फिर PLC का रिटर्न फीडबैक के लिए। तो ये सब चीज़ आपको सारे पैक में, एक ही पैक में मिल जाएगा, एक ही बक्से के अंदर, उसे बोलते हैं सॉफ्ट स्टार्टर। मतलब एक छोटा सा बक्सा जैसा दिखता है, वो कॉन्टैक्टर के जैसा दिखता है, बस उसके अंदर में हमारा थायरिस्टर वगैरह लगा हुआ है, SCR वगैरह बोलते हैं उसको, वो सब लगा हुआ है। तो ये जो है कि ये मोर सेफ है दैन ड्यूअल स्टार्टर या फिर स्टार्टर स्टार्टर, क्योंकि मैकेनिकली अरेंजमेंट आप अगर आप देखेंगे बस बार वगैरह या फिर उसका केबल वगैरह जो लॉग वगैरह लगा हुआ रहता है, ड्यूअल स्टार्टर हो गया मतलब एक कॉन्टैक्टर लगता है उसमें, उसमें ऊपर में 3 फेज, नीचे फिर 3 फेज निकल के एक ओयलर लगता है, ओयलर से फिर एक 3 फेज निकल के मोटर में जाता है। या फिर अगर स्टार होल्डर की बात अगर करेंगे तो उसमें से जो मेन कंडक्टर रहता है उसके ऊपर में 3 फेज आता है, उसके फिर निकलता है 3 फेज, वो फिर ओयलर को जाता है, उसमें से मोटर को जाता है, उसी में से फिर लिंक करके एक डेल्टा वाला कंडक्टर लगाया जाता है, उसका फिर ऊपर का नीचे का सब वायरिंग लगाया जाता है 3 फेज का, तो फिर उधर से और 3 फेज ला के डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है, और डेल्टा से लेके फिर एक स्टार वाला कॉन्टैक्टर कनेक्ट कर दिया जाता है। आप सब लोग इस लोग तो देखे होंगे बहुत सारे जगह में। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो कनेक्शन वगैरह हार्डवेयर अरेंजमेंट की बात अगर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत मतलब लॉन्ग कॉन्जिवेटिव दिया हुआ है, उसमें हाथ लगाने की जगह नहीं रहता है, सब पावर 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 ही रहता है, उसमें कहीं हाथ घुस गया तो आप जल जाएंगे, हाथ पूरा जल जाएगा। लेकिन ये सारे सिस्टम जो ऑनसेप सिस्टम रहता है उसको सभी को एक ही बक्से के अंदर पैक करके ये दे देता है हमारा जो सब स्टार्टर। तो ये अगर कभी फटेगा तो, एक कंडक्टर फटेगा तो 2-3 चीज़ उसके आसपास में उड़ जाएगा, जल जाएगा, लेकिन ये सब स्टार्टर कभी इतना फटता नहीं है, अगर जलेगा तो अंदर में ही जल जाता है, लेकिन बाहर कभी नहीं जलता है उसका, तो कॉन्टैक्ट खराब हो जाता है या फिर SCR फ्लैश हो जाता है, तो सारे चीज़ उसका अंदर में ही रहता है, ये कभी बाहर नहीं दिखता है आपको, तो खोलेंगे तब आपको अंदर में पता चलेगा कि फ्लैश हुआ है। इसलिए ये मोर सेफ्टी है,
इसके सारे पार्ट्स, उस पावर पार्ट सब अंदर ही है। तो पांच नंबर है कि इसमें करंट, वोल्टेज, पावर, टेम्परेचर, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं इसको। उसका जो छोटा सा डिस्प्ले रहता है वो डिस्प्ले से देख सकते हैं इसको। उसको पैरामीटराइजेशन करना पड़ता है, प्रोग्राम डालना पड़ता है उसमें, मतलब किस डीआई में इनपुट आने से स्टार्ट होगा, कौन सा डीआई में इनपुट आने से स्टॉप होगा, तीनों फेज में करंट कितना ले रहा है, वोल्टेज अभी कितना है, उसका करंट कितना है अभी, तो उसका जो मोटर जो घुमा रहा है, मोटर का आउटपुट वोल्टेज कितना है, टॉर्क कितना है, ये सारे चीज़ आपको सब स्टार्टर से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ अगर आपको ड्यूल स्टार्टर या एडल स्टार्टर में देखना है तो आपको हर फेज में एक एक सीटी लगाना पड़ेगा, उसमें से अलग अलग डिवाइस लेके उसको आप काम कनेक्ट करके उसको फिर डाटा लेना पड़ेगा। लेकिन ये सारे चीज़ हमारा एक ही सब स्टार्टर में आ जाता है। तो सब स्टार्टर में पीसी लगाने के लिए भी डायरेक्ट जुगाड़ दिया हुआ है, उसका यूएसबी केबल रहता है या फिर इथरनेट केबल दिया जाता है, तो डायरेक्ट पीसी कम्युनिकेशन करके उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, बैकअप अगर डाल देंगे डिस्प्ले से या फिर पीसी से भी दो मिनट में सेटिंग हो जाएगा, पुराना वाला बैकअप अगर होगा तो सही वाला। तो ये सब चीज़ उसमें ऑप्शन देता है। तो आपको अगर सब स्टार्टर चेंज करना है तो बस चार नॉट माउंटिंग का खोल के और पावर केबल खोल के कंट्रोल का टीवी रहता है, टीवी निकाल दीजिए, एक नया वाला डाल के उसमें पारामीटर डाल दीजिए, दो मिनट में हो जाता है। तो इसी तरह से ये VFD से ऊपर और DOL और स्टार्टर से नीचे करंट, स्टार्टिंग करंट को कम लेता है, इसलिए ये यूज होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय।